आज सारेगामा हम भोजपुरी पर एक गाना रिलीज हुआ, बैया जो हमारी पकड़ी। गाने के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वाकई दिल जीत लिया है गाना ही नहीं। वैसे उससे पहले बात करेंगे उन लोगों की जो हमेशा रोते हैं कि भोजपुरी में कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ ढोड़ी है, देवर है, भाभी है, जीजा है, साली है, घाघरा है, चोली है। लेकिन भाई ये गाना देखो और इसे प्रमोट भी करो, गाना नहीं, आप ये कह सकते हैं कि इस साल का और आगे आने वाले कई सालों का बहुत ही बेहतरीन गाना है ये। व्यूज़ देखने के बाद मन दुखी होता है कि क्या भोजपुरी में सिर्फ अब अश्लील लोग ही हैं जिनके गानों को सुना जाएगा? क्या उन अच्छे और अच्छा करने वाले सिंगरों के गानों को सुना ही नहीं जाएगा? हाँ, यहाँ पर लोग चंदन चंचल जैसे सिंगरों के गाने को 10-10 मिलियन और 100-100 मिलियन व्यूज़ दे देते हैं, लेकिन रितेश पांडे जैसे सिंगर, कल्पना पटौरी जैसे सिंगरों के गानों को सिर्फ जातीय राजनीति के तौर पर नहीं देखा जाता। अगर आप प्रदीप पांडे, चिंटू, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के सपोर्टर हैं तो ये गाना क्यों सुनेंगे, क्योंकि ये तो रितेश ने गाया है। अरे भाई, इनसे आगे उठिए और भोजपुरी के लिए सोचिए। ये गाना अगर आप सुनेंगे तो आप खुद अपनी माँ बहनों को रेकमेंड कर देंगे कि ये गाना देखो, भोजपुरी में काफ़ी लंबे अंतराल बाद इतना बेहतरीन गाना आया है। और ये दावे के साथ कहा जा सकता है काफ़ी सालों तक ये रोमांटिक सॉन्ग लोगों की जुबान तक रहेगा। लेकिन भाई हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम थोड़ी रितेश के और कल्पना के गानों के फैंस हैं। जी हाँ, कल्पना पटौरी का ये सॉन्ग और रितेश पांडे का ये सॉन्ग बहुत बेहतरीन है। एक दूसरे की आवाज़ को क्या कॉम्प्लीमेंट किया है दोनों ने, जेडी बहादुर ने क्या गाना लिखा है और सारे गामा भोजपुरी ने क्या प्रेजेंट किया है। लेकिन अगर हम ये गाना देख लिए और इसे अगर प्रमोट भी कर दिए तो हम भोजपुरी की बुराई कब करेंगे, जिससे काफ़ी लोगों का पेट पलता है। जी हाँ, भोजपुरी में रहकर भोजपुरी की बुराई करने वाले लोग आपको बहुत दिख जाएंगे। या फिर ये गाना अगर चोरी का होता तो फिर प्रमोट किया जाता कि किस तरह से इस गाने को बैन किया जाएगा। खैर, भोजपुरी को अगर आगे बढ़ना है तो रितेश पांडे और कल्पना पटौरी जैसे सिंगरों के ऐसे ही गाने सुनकर भोजपुरी अपना नया मुकाम बना सकती है, और ये सभी को समझने की ज़रूरत है। वाकई ये गाना देखिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगर ऐसे गाने नहीं चले तो भोजपुरी कभी नहीं उठेगी। आखिर भोजपुरी को गाली बनने से बचा लीजिए, जो कि बड़ी तेज़ी से ये गाली बनने की तरफ बढ़ रही है। प्यारी लैंग्वेज है और इसके मान सम्मान को ऐसे ही गाने से आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो सारेगामा हम भोजपुरी पे रिलीज़ हुआ रितेश पांडे और कल्पना पटौरी के गाने बैया जो हमारी पकड़ी ज़रूर देखिए, बहुत देखिए, सुनिए, वाकई बहुत ही अच्छा सॉन्ग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंजलि झा जो कि इस गाने की हीरोइन है, वो भी बहुत खूबसूरत लगी है इस गाने में। एंड थैंक्स टू रितेश पांडे, कल्पना पटौरी एंड सारेगामा हम भोजपुरी की इस तरह के गाने और लेकर आए, ताकि विरोधियों के मुंह पर अश्लील गाने बनाने वालों के मुंह पर जोरदार इसी तरह का तमाचा पड़ता रहे।